अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हानिया लोधी किचन। व्यूवर्स, आज हम लोग हानिया लोधी किचन में इफ्तारी स्पेशल में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल वाले चिकन रेशा चटनी रोल। स्ट्रीट फूड है ये, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रोल्स बनते हैं ये। तो चिकन रेशा चटनी रोल बनाने के लिए हमें यहाँ जो चीज़ें चाहिए, चिकन ली हमने यहाँ पर 1/2 kg, हमने यहाँ पर ब्रेस्ट का पीस लिया और इसके हम हाँ, इसको बॉईल करके हमने इस तरीके के यहाँ पर इसके श्रेड्स कर लिए हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में हमें यहाँ पर चाहिए चाट मसाला पाउडर, हमने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून भर कर। लाल मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून भर कर। कुटी लाल मिर्च हमने ली यहाँ पर 1 टीस्पून भर कर। काली मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून भर कर। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा हमने यहाँ पर इमली का पल्प लिया है 1/2 कप। हमने इमली ली, इसमें पानी डालकर इसको भिगो कर रख दिया, तो 1/2 कप जितना पल्प हमें यहाँ पर इमली का मिल गया है। ये हमें चाहिए होंगी चीजें हमारे चिकन रेशा चटनी रोल्स बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक बाउल लेंगे, इसमें जो हमने चिकन के श्रेड्स करके रखे हुए थे ये डाल देंगे सारे। इसी के साथ हमने यहाँ जो इमली का पल्प लिया हुआ है इसमें से 1/2 हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे, क्वांटिटी में आपको बता चुकी हूँ, सारे इसमें जाएंगे। मिक्स कर लेंगे इसमें चिकन को अच्छी तरीके से चिकन को मिक्स करेंगे इसमें स्पाइसेस के साथ। तो व्यूअर्स, चिकन को हमने यहाँ पर स्पाइसेस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग, जो हमारे चिकन रोल्स की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ जो पल्प बचाकर रखा हुआ था इमली का, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला और मिक्स कर लेंगे इसको। तो चटनी भी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है रोल्स के लिए। अब रोल्स के लिए हमारा जो डो है वो हम तैयार कर लेंगे। तो व्यूवर्स, जो तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर लिया 1 कप मैदा भरकर। इसके अलावा हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया भरकर। नमक लिया हमने 1 टीस्पून भरकर। इसके अलावा पानी लेंगे हसबे जरूरत। मैदा लेंगे 1 कप, इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून जितना ऑयल। नमक 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे तमाम चीजों को अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और जिस तरीके से नॉर्मल डो तैयार करते हैं, इस तरीके से जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं, इस तरीके से इसको तैयार कर लेंगे सॉफ्ट सा। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वो हमने हमारा जो डो था वो तैयार कर लिया है। अब हम इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे अच्छी तरीके से, और ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जो रोल्स के लिए जो हमारे पराठे हैं वो हम तैयार करेंगे इससे। तो व्यूवर्स, डो जो था वो हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसके जो छोटे छोटे से बॉल्स हैं, जो पेड़े हैं, वो तैयार कर लेंगे। जिस साइज के आपको बनाने हो उस साइज के तैयार कर लें। मैं इस साइज के पेड़े तैयार कर रही हूं यहाँ पर। तो इस साइज के पेड़े मैं तैयार कर लूंगी यहाँ पर, जितने बन जाए हमारे डो से, और जितने आपको बनाने हो उतना ही डो तैयार करें। तो व्यूवर्स, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमने जो हमारे पेड़े हैं पराठों के लिए हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम हाथों पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, और ऑयल ग्रीस करने के बाद अब हम जो है इसको पतला पतला सा बेल लेंगे यहाँ पर। पतला पतला सा बेल लेंगे इसको, ऑयल को अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। तो व्यूवर्स, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमने हमारे पराठे को जो है वो बेल लिया है, रोल कर लिया है। अब हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था।
ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, ऑयल हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। अब हम इसमें हमारा जो पराठा है ये डालेंगे और इसको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरीके से घुमा घुमा कर फ्राई करेंगे। साइड चेंज करेंगे इसकी, दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह अच्छी तरीके से घुमा लेंगे। पराठा हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कितना जबरदस्त सा जो हमारा पराठा था, दोनों साइड से सिक चुका है, फूल चुका है अच्छी तरीके से। बस इसी तरीके से हमारे जो पराठे हैं सारे, उनको हम सेम इसी तरीके से फ्राई करेंगे और साइड पर रख लेंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, क्रिस्पी से पूरी पराठे हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हमारे जो रोल्स हैं वो हम इसे तैयार करेंगे। तो एक पराठा लेंगे हम यहाँ से, पराठे पर हमारी जो चटनी हमने बनाकर रखी हुई थी ये हम लगा देंगे। इस तरह से चटनी लगाएंगे इसके ऊपर। और इसी के साथ हमारी जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी ये हम इस पर डाल देंगे सारी। अच्छी तरीके से भर के डाल देंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, तैयार है हमारे स्ट्रीट फूड स्टाइल वाले चिकन चटनी क्रिस्पी रोल्स। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज़रूर इफ्तार में बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये, स्पाइसी बनते हैं बहुत ही। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह।